अरे फेबे जल्दी से उठो यार। अरे हाँ फेबे जल्दी से उठो। अरे उठो उठो उठो। अरे उठो उठो उठो। अरे कौन है भाई साहब, सोने भी नहीं देता। अरे यार जल्दी उठो वरना उठने लायक नहीं रहोगे। हैं, उठने लायक नहीं रहूंगा भाई, क्या हो गया यार? अरे जल्दी से उठो यार, तुम्हें पता नहीं है क्या हो गया हमारे घर के बाहर? अबे क्या हो गया भाई, आतंकवादियों ने हमला कर दिया क्या? अरे फेबे नहीं। अबे तो फिर? अरे यार उठो उठो उठो। अरे क्या हो गया, मीटियोर्स गिर रहे हैं क्या? अरे नहीं। तबाही, सुनामी, भूकंप, क्या आ गया भाई? अरे इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक। इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक? अरे हाँ उठो तो सही। क्या यार, तुम लोग सुबह सुबह सोने भी नहीं देते। अरे फेमे तुम्हें सोने की पड़ी है, बाहर चल कर देखो कितनी तबाही मची पड़ी है। बाहर तबाही मची पड़ी है? अरे हाँ यार चलो तो। पता नहीं गाइस, इन दोनों को सुबह सुबह क्या हो गया, कह रहे बाहर तबाही मची पड़ी है, घर के बाहर बच जाओ फ्रैंकलिन भैया, ये कर लो, उठो उठो। अरे हाँ यार सच में यार, जल्दी से इधर से भागना पड़ेगा। लेकिन मेरे को देखने तो तबाही के मची पड़ी है। अरे अगर देखने गए तो वापस आने लायक नहीं रहोगे। ऐसा क्या हो गया? अरे यार खुद जाकर देख लो। तुम ही तो कह रहे हो देखने गए तो वापस आने लायक नहीं रहोगे। अरे हाँ यार अपने रिश्ते देखने जाना। जाऊं कि ना जाऊं गाइस, इसको समझ नहीं आ रहा। चौप है ना, चौप से पूछता हूँ। भाई साहब कल मेरे से मत पूछ भाई, मैं तो खुद डुपक के इधर छुपा पड़ा हूँ। अरे क्या हो गया ऐसा हमारे घर के बाहर? अरे फैमिली जाओ यार खुद ही देख कर आओ। ए तुम दोनों भी चलो मेरे संग। अरे चलो चलो हम भी चल रहे हैं, लेकिन यार जैसे ही हम लोग वहाँ पर कुछ देखेंगे हम लोग भाग जाएंगे। ठीक है पहले देखने तो दो, हुआ क्या गाइस यार? ये लोग भी ना पता नहीं क्या टेंशन लेते रहते हैं। कोई गुंडा वुंडा है क्या? अभी रुक जाओ, उसकी चटनी बनाता हूँ मैं। अरे खुद जाकर देख लो कौन है। रुको रुको। अबे भाई साहब ये क्या हो गया अचानक से? अरे फैमिली तुम ही तो जा रहे थे बाहर। अरे गाइस यार इतने सारे रेड हल्क। अरे फैमिली हाँ यार यही तो तबाही मची पड़ी है। अरे गाइस यार इतने सारे रेड हल्क कहाँ से आ गए? भाई साहब बचाओ मुझे कोई। अरे फैमिली यही तो मैं कह रहा था यार, बाहर हमारे घर के तबाही मची पड़ी है। अरे यार तो तुम लोग डायरेक्टली बोल नहीं सकते थे रेड हल्क आए हैं? अरे लेकिन इतने सारे कहाँ से आ गए भाई? अरे फैमिली यार पता नहीं कहाँ से आ गए इतने सारे। ओके सो गाइस तुम लोग देख पा रहे हो, ओ भाई साहब यार ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम हल्के दोस्त हो। हल्के दोस्त है इसका मतलब कि मेरी जान लो लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे गाइस यार मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? अरे यार गिर गया। अरे फैमिली हम लोग भी गिरे हैं। अरे यार गाइस यार रेड हल्क तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे मेरा। क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। ओह गाइस थोड़ा सा सेफ महसूस कर रहा हूँ। अरे फैमिली लेकिन कब तक वहाँ पर रहोगे, क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं। अरे गाइस यार लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अरे यार ये इतने सारे कहाँ से आ गए? रेड हल्क रेड हल्क आ रहा है, बचाओ मुझे कोई। अरे फैमिली यार लेकिन बताओ तो सही आए क्यों? अबे वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, ये क्यों आए हैं, इनका मकसद क्या है? अरे क्या करने के लिए आए हो भाई? तुम हल्के दोस्त हो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अबे हल्के दोस्त है तो मतलब छोड़ेगा नहीं भाई साहब, क्या दुश्मनी है तेरी हल्क से? हल्क हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका जो दोस्त वो हमारा दुश्मन। भाई साहब कलवे यार इनके इरादे बहुत गलत है यार। अरे गाइस मैं किधर से भागू यार, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है गाइस, कितने सारे ये तो देखो। अरे फैमिली यार कुछ ना कुछ करके भागना पड़ेगा। अरे लेकिन कैसे भागना पड़ेगा भाई, ये तो मौका ही नहीं दे रहे भागने का। अरे भाई छोड़ दो, जान छोड़ दो मेरी। ऐसे कैसे हल्के दोस्त, रुक जा। अरे गाइस क्या करूं मैं, एक काम करो फटाफट से बाहर निकलता हूँ घर से। अरे फैमिली तुम कहाँ जा रहे हो? अबे यार तू चुप हो जा भाई। गाइस फटाफट से यार यहाँ से मैं इन लोगों को कंफ्यूज करता हुआ बाहर की साइड निकल जाता हूँ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। शिनचैन बिनचैन तुम लोग फटाफट से आओ। गाइस आज ही मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर के लिए दी है। शिट यार ये लोग तो इधर से आ गए। कोई गाड़ी मिल जाए काश कोई गाड़ी मिल जाए। ओ भाई साहब गाड़ी रोक ले भाई, गाड़ी रोक ले गाड़ी दे। ओके सो गाइस गाड़ी मिल गई है, बस बैठने दो ये लोग मुझे। वो बैठ गया बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से बैठ चुका हूं। अरे फैमे हमें भी तो बैठने दो, जल्दी बैठ शिनचैन जल्दी बैठ। अरे बैठ गया। अरे लेकिन मैं रह गया यार। अरे गाइस यार ये पिंचन का बच्चा रह गया यार, क्या करूं। अरे हटो। अरे मैं कैसे गाड़ी से बाहर निकल गया? अरे यार पता नहीं। अरे गाइस क्या चालू है इधर, मेरे को कुछ भी ढंग से समझ नहीं आ रहा है। ओके सो गाइस वापस से गाड़ी के पास में पहुंच चुका हूँ, बैठ लेते बहुत ज्यादा बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। शिनचैन बैठ चुका है, ये शिनचैन कहाँ है? अरे मैं इधर ही रह गया। अरे यार ये शिनचैन का बच्चा भी गाइस ढंग से बैठा नहीं जाता इससे सही टाइम पे। ओके सो गाइस कुछ करके यार शिनचैन को बिठाना पड़ेगा।
था और साथ में चौप को भी। भाई साहब कल यार मेरे को भूल गया तू। अबे ऐसे कैसे तुझे भूल जाऊंगा भाई, तू तो अपना सबसे मस्त वाला दोस्त है। गाइस यार सबसे पहले चौप को भी बिठाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ गाइस कुछ भी ढंग से समझ नहीं आ रहा। एक काम कर दो, सबसे पहले शिनचैन भाई तू आ। अरे फैमिली यार बैठने तो दो मुझे। बैठ मत भाई, सीधे छत पे आके खड़ा हो जा बस, और गाड़ी पकड़ के शांति से खड़ा हो जा। अरे यार ठीक है बस उतने के लिए तो जगह दो। जल्दी शिनचैन जल्दी आ। अरे बैठ गया। ओके सो गाइस यहां पर शिनचैन फाइनली बैठ चुका है यार, पता नहीं कैसे बैठा है, बट गाइस जो भी हो फाइनली बैठ चुका है। चौप भाई तू भी आ जा। भाई साहब कल यार मैं कैसे आऊ। अरे यार तू कोशिश कर। ओके सो गाइस यार ये रेड हल्क बहुत सारे हैं गाइस, कैसे बचू मैं। चौप तू जल्दी से आ, दौड़ता हुआ सीधा छलांग लगा के हमारी गाड़ी पे बैठ जा, जल्दी आ चौप। भाई साहब कल चल 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 चल। ओके सो गाइस फाइनली यार यहां पर चौप बैठ चुका है और अब मैं इनकी पुंगी बजाता हूं। शिनचैन तू सामने ही खड़ा होना तेरा जरूरी था। अरे तो मैं और कहां जाऊं यार। गाइस यार तुम लोग सोचोगे कि मैं इनकी पुंगी कैसे बजाने वाला हूं। एक सेकंड अबे ये लाल गाड़ी वाला कहां से आ गया। एक सेकंड गाइस तुम लोगों को दिखाता हूं मैं क्या करने वाला हूं रेड हल्के बच्चों के संग। ये तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई साहब, सबके सब निकलो। और गाइस फटाफट से इस वक्त हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हुए निकलते हैं सीधा एवेंजर्स के पास, इससे पहले कि गाइस रेड हल्क के बच्चे मतलब रेड हल्क सारे के सारे इधर फॉलो करते हुए आए हम लोगों को। गाइस एवेंजर्स के पास निकलना पड़ेगा, एवेंजर्स ही हैं जो आज हमारी मदद कर सकते हैं। गाइस बहुत ज्यादा बुरी मुसीबत में फंसे हैं हम लोग। अरे पहले भागो भागो भागो। अरे भाग ही रहा हूं यार इधर तो, मैं जिधर भी रेड कलर देख रहा हूं मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ओ गाइस जल्दी 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 जल्दी। अरे पहले चलो 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 चलो। अरे एक सेकंड यार रुक जा। सो गाइस इधर इधर बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं। तू ठीक से बैठा है ना शिनचैन। अरे हां शायद थोड़ा थोड़ा। शायद थोड़ा थोड़ा मतलब। अरे मतलब हां यार ठीक से ही बैठा हूं। ओके सो गाइस जल्दी निकलते हैं यार एवेंजर्स के घर पे। रेड कलर देखकर भाई साहब डर लग रहा है। अब ये पीछे रेड कलर की गाड़ी आ रही है, आगे रेड कलर की गाड़ी आ रही है, इनको देखकर गाइस मुझे रेड हल्की याद आ रही है। बट कोई नहीं गाइस, अभी फटाफट से हम लोग गाइस डायरेक्टली एवेंजर्स के घर के लिए निकलते हैं यार। अरे फैमिली यार चलो ना जल्दी से। ओके सो गाइस फटाफट से यार जल्दी से चलते हैं एवेंजर्स के पास यार हम लोग हेल्प मांगने के लिए। वैसे यार ये अचानक से रेड हल्क क्यों पागल हो गए यार। अरे फैमिली यार मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा इतने सारे आ कहां से गए। अबे हां यार एक ही रेड हल्क था ना। अब भाई साहब कल पता नहीं क्या चल रहा है यार ये लॉस सेंटोस के अंदर। अरे गाइस यार कभी भी लॉस सेंटोस के अंदर कुछ भी हो जाता है यार, कोई भरोसा नहीं है। पता चला कल को एवेंजर्स के घर के ऊपर ही मान लो कोई ग्रह गिर गया। अरे फैमे ऐसा मत बोलो यार, क्या पता सच में गिर जाए। मैं भाई मैं बात कह रहा हूँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मान लो यहीं पर कोई प्लेन क्रैश हो गया, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट ही हो गया। अरे यार कितनी बकवास कर रहे हो, लो हो भी क्या। मैं बात कह रहा हूँ यार भाई ऐसी सब चीजें हो रही है भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा है लॉस सेंटोस के अंदर सारा माहौल। और ये देखो यार ये रेड हल्क पता नहीं कहां से आ गए इतने सारे। नॉर्मली गाइस एक रेड हल्क था, बट यार तुम लोग देखो इस वक्त लॉस सेंटोस के अंदर हमारे पीछे जो रेड हल्क पड़े थे। अरे फैमे वो 20 से 25 थे कम से कम गाइस, 20 से 25 रेड हल्क थे। ये कहां से आए, किधर को जाएंगे कोई पता नहीं है, बट गाइस हमारे पीछे पड़े थे वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से। और भाई साहब मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ हल्क से, आखिर क्या दुश्मनी है कि वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं। अरे यार सुनो हल्क भैया। अरे क्या हो गया यार, वैसे सुबह सुबह कैसे आना हुआ। अरे हाँ यार कैसे आना हुआ भाई साहब, इस हल्क के भाई की वजह से। मेरे भाई की वजह से? कौन से भाई? तेरे रेड हल्क की वजह से भाई साहब। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से 20-25 रेड हल्क हमारे घर में घुसाए और तब से हमारे पीछे पड़ गए भाई साहब। दिमाग खराब हो गया, सुबह से चैन से सोने नहीं दिया, मेरे पीछे पड़ गए हाथों के, जल्दी से हमें उनसे बचा। अरे यार तुमने क्या बोल दिया, कुछ ढंग से समझ भी नहीं आया। अरे यार जो बोल रहा था वो बोल दिया, अब समझो यार धीरे धीरे। अरे ठीक है यार मैं कोशिश करता हूँ। तुमने कहा कि रेड हल्क कुछ मतलब 20-25 रेड हल्क तुम्हारे घर पर आए, तुम्हारा पिछवाड़ा नोच डाला है। ये कब बोला मैंने? अरे यार अभी तो तुमने तेजी में बोला। अब पीछे पड़ गए हैं मेरे वो हाथ धो के। अच्छा तो पीछे पड़ गए हैं रेड हल्क तुम्हारे और तुमको खाने के लिए। अब यार वो मेरे को पता नहीं, मेरे को मारने पीटने के लिए। अच्छा तो वो तुमको मारना पीटना चाहते हैं तुम्हारी जायदाद के लिए, यही बोला ना तुमने? हाँ, ये क्या क्या समझ के बैठ गया यार। अरे फैमे मुझे लगता है यार किसी को भी कुछ भी समझ में आया है। अरे हाँ यार हमें तो वही पता चला जो आयरन मैन ने बोला। अरे हमें तो वही लगा आयरन मैन सच सच बोल रहा है। अरे यार बेवकूफ एवेंजर्स, मैंने ये कहा कि रेड हल्क मेरे घर पे आया था मेरे को पीटने के लिए, क्योंकि उसने पूछा कि तुम हल्क के दोस्त हो इसलिए तुम मेरे दुश्मन हुए। मतलब वो कुल मिला के सारे हल्क के दोस्तों को पीटना चाह रहा है, हल्क हम भी दोस्त है इसलिए वो हमको पीटना चाह रहा था।
था, अब ये बता हमको वो क्यों पीटना चाह रहा था, तेरी क्या दुश्मनी है उससे। अच्छा तो ऐसे बोलो ना यार, पहले का सुपर फास्ट ट्रेन की तरह निकल गए। अबे भाई मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, अब चल भाई हाल बता क्या दुश्मनी है तेरी। अरे यार कुछ भी नहीं यार, दरअसल बात कुछ ऐसी है, रेड हल्क और मेरी दुश्मनी बहुत पुरानी है। बात है उस जमाने की जब, अबे यार भाई पुरानी कहानी तेरी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, फटाफट से बता। अरे देखो बात कुछ ऐसी है, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे हम लोग बहुत ज्यादा। अरे यार भाई शॉर्ट में बताना। अरे हाँ यार हल्क भैया शॉर्ट में बता यार, क्या पुराने जमाने की कहानी लेके बैठ गए। तो ठीक है यार मैं तुम्हें पूरा शॉर्ट में बताता हूँ। बात कुछ ऐसी है, मेरी और रेड हल्क की दुश्मनी है बहुत तगड़ी, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। वाह क्या शॉर्ट में बताया तूने, थैंक यू यार थैंक यू। चल क्या बताया तूने शॉर्ट में, ये तो हमें भी पता तेरी दुश्मनी है, आखिर दुश्मनी क्यों है ये तो बता। अच्छा अच्छा तो बात है उस जम। अरे यार तू छोड़ भाई, तू रहन दे, तू ये बता तू उस रेड हल्क का कुछ कर सकता है कि नहीं। अरे यार मैं क्या करूँ उस रेड हल्क का, अबे मतलब उसको मार पीट के भगा दे यार, हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है वो। अरे हाँ यार कुछ तो करे यार, वरना हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। भाई साहब हमारे घर पे कब्जा करके बैठ गया वो रेड हल्क का बच्चा। अरे यार क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे घर पे कब्जा करके बैठ गया है। हाँ भाई घर पे कब्जा करके बैठ गया, उधर से हिलने डुलने को राजी नहीं है, और जैसे ही हम लोग जाते हैं भाई घर के अंदर हमारे को हमको पीटने मारने पीटने लगता है। भाई साहब बहुत ही ज्यादा जीना हराम कर रखा उसने। अरे यार तुम टेंशन मत करो, हमारा हल तुम्हारी मदद करेगा। क्यों हल? अरे यार नहीं एक्चुअली मैं कुछ सालों पहले। फिर तू कहानी लेके बैठ गया? अरे कहानी नहीं यार छोटा सा बात है, सुन तो लो। अच्छा बता बता। कुछ सालों पहले रेड हल्क और मेरी लड़ाई हुई थी, उसने बहुत ही ज्यादा कुत्ते की तरह मारा था यार मुझे। अच्छा तो वही तो यार, मैं जब एक रेड हल्क को नहीं हरा पाया तो इतने सारे रेड हल्क को कैसे हराऊंगा अकेले। अरे यार फिर तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी लड़ूंगा, फ्रैंकलिन के लिए लड़ूंगा। अरे क्या बात कर रहे यार। अरे हाँ यार तुम लोगों के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ रेड हल्क से। अरे थैंक यू यार हल्क, तू ही तो अपना सच्चा दोस्त है। अरे टेंशन मत करो, उसका तो मैं ऐसे ऐसे पकड़ के और एक मुक्का मारूंगा कि उसका कचुम्बर ही बन जाएगा। तो ये मुक्का तू मेरे पे ट्राई करने वाला है? हाँ यार तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे को नीचे एग्जाम्पल, फटाफट से चलकर हमें बचा। ठीक है यार मैं जाता हूँ आयरन मैन इनके साथ इनके घर पर। अरे यार नहीं नहीं तुम अकेले ही जाओ हल्क, इन लोगों को यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि ये लोग अगर वहां पर जाएंगे तो शायद इनकी जान को खतरा है। तुम अकेले ही जाओ उस रेड हल्क की जाकर पुंगी बजा कर आओ। अरे यार मैं जा रहा हूँ ठीक है। अरे यार जाओ जाओ, और उसका कुत्ता बना कर ही आना, खुद का कुत्ता मत बनवा लेना यार। भाई साहब यार जैसे इसने कहा कि कुछ साल पहले बहुत बुरी तरीके से ये पिटा था, मेरे को तो लग रहा है भाई साहब दोबारा से पिटने वाला ही है। अरे हाँ यार सही कह रहा है। अबे यार हल्क तू सच में ही पिट के आएगा? अरे यार मैंने कहा ना तब मैं एवेंजर का हिस्सा भी नहीं हुआ करता था, अब तो मैं एवेंजर्स आर्मी का हिस्सा हूँ, मेरे पास खतरनाक से खतरनाक पावर है, उसका तो मैं बैंड बजा दूंगा, तुम देखते जाओ। ठीक है वो तो देख ही रहे हम लोग। वैसे गाइस देखते हैं यार ये हल्क क्या करता है। वैसे गाइस तुम लोग चाहते हो कि यार अपना जो ग्रीन हल्क है वो रेड हल्क की पुंगी बजा दे, तो अभी का अभी जाकर गाइस वीडियो को लाइक करो और गाइस जाकर यार चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे हाँ गाइस फटाफट से यार वीडियो को 30,000 लाइक तक पहुंचाओ। अरे हाँ गाइस यार फटाफट से वीडियो को 30,000 लाइक तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ गाइस फटाफट से वीडियो को 30,000 लाइक तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अरे हाँ गाइस यार सब्सक्राइब भी कर देना और बेल वाला आइकन भी प्रेस कर देना। और गाइस यार अभी देखते हैं यार अपना हल्क क्या तबाही मचाता है। अरे यार मैं तुम्हारी गाड़ी ले जाऊं। चुप रह पैदल ही जा। ठीक है छोड़ूंगा नहीं उस रेड हल्क को, वैसे भी काफी साल पुरानी दुश्मनी है मेरी उससे, और काफी सालों पहले जो उसने मुझे कुत्ते की तरह धोबी की तरह धोया था वो भूला नहीं हूँ मैं, और उसका बदला आज लूंगा मैं, आज चुन चुन कर बदला लूंगा। उसने तो एक हल को मारा था लेकिन मैं आज 20 से 25 रेड हल को मारूंगा। रेड हल्क आ रहा हूँ मैं। भाई साहब जितने जोश से जा रहा है उतनी बुरी तरीके से पिट के मत आइयो। अरे कैसी बात कर रहे हो फ्रैंकलिन, तुम देखते जाओ क्या हाल करता हूँ मैं रेड हल्क का, मार मार का लाल कर दूंगा। भाई साहब वो तो पहले से ही लाल है। अरे फिर भी इतना मारूंगा कि पहले से भी ज्यादा लाल हो जाएंगे, देखते हैं वो तो हम लोग। भाई साहब हल्क तू कहाँ चला गया यार? अरे यार सुबह से थोड़ा नहाया नहीं है इसलिए नहा धोकर जा रहा हूँ। अबे भाई साहब नहा धोकर कौन जाता है रेड हल्क को पीटने? अरे मैं जाता हूँ यार, अब देखना मैं कैसे रेड हल्क की पुंगी बजाता हूँ, उसको इस गाड़ी की तरह ऐसे पकड़ के और ऐसे चबा डालूंगा यार, चबा डालूंगा। अच्छा बेटा वो तो मैं देख ही रहा हूँ, गाइस देखते हैं यार क्या करता है आखिर में अपना ये ग्रीन हल्क। उम्मीद तो है मुझे कि शायद अपना हल्क
पीट डाले रेड हल्क को, बट देखते हैं क्या होता है। अरे यार तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी उम्मीद पर पूरी तरीके से खड़ा उतरूंगा। खड़ा उतरूंगा? अबे खरा उतरूंगा होता है भाई वो। अरे जो भी होता है यार तुम टेंशन मत लो, अभी जाता हूँ मैं रेड हल्क की पुंगी। अरे हाँ यार जाओ, उसको छोड़ना मत, बहुत परेशान किया है, सुबह ढंग से सोने भी नहीं दिया। अबे चल वे, तुम लोग तो मस्त सो ही लेते हो। अरे नहीं यार, तुमसे पहले उठ गए थे हम लोग। अच्छा हाँ यार, भाई साहब सही कह रहे हैं यार शिनचैन, गाइस हम लोगों को बिल्कुल भी ढंग से नहीं सोने दिया उसने। भाई साहब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है मेरे को। अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, देखते जाओ कुछ ही देर में तुम्हें 25 के 25 रेड हल्क की लाशें बिछी हुई दिखेंगी। हैं सच में? अरे हाँ यार, देखते जाओ मैं क्या करता हूँ रेड हल्क के साथ। आ रहा हूँ मैं रेड हल्क, तू आज मेरे हाथों से नहीं बचने वाला, तू अकेला हो चाहे 25 लेकर आ, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब तू हल घर कब पहुंचेगा हमारे? अरे यार बस पहुंच गया। अरे तो जल्दी जाओ और उस रेड हल्क की पुंगी बजाओ। अरे यार रुको यार, उसकी तो ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। कहाँ है ये रेड हल्क का बच्चा? अबे उधर ही होंगे। देख गए सारे के सारे रेड हल्क, तुम्हारी ऐसी की तैसी रेड हल्क, फ्रैंकलिन को परेशान करोगे तुम लोग, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अच्छा घूसा मारता है मेरे को, रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी अभी पकड़ के तेरी मैं पुंगी बजाता हूँ। दो चार उधर भाग रहे हैं, रुको भागते कहाँ हो? अरे भागो भागो दोस्तों भागो, ये ग्रीन हल्क कहाँ से आ गया? मुझको देखते ही भाग रहे हो, ये ले तू भी भागेगा, ये ले, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। अच्छा उल्टे पाँव भाग रहे, उल्टे पाँव, अभी कैसे बचोगे? ये उठाया इसे और ये ले जमीन के अंदर, ये ले तेरा, तेरे को घूसा, ये ले तेरे को लात, ये ले भाई साहब, ये ले तू भी ले, तू भी ले। कहाँ भाग कर जाओगे मुझसे, मुझसे तुम लोग भाग कर जाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे फ्रैंकलिन दोस्त को परेशान किया, शिनचैन को परेशान किया, और भागने की जरूरत करते हो? अरे हाँ यार मारो मारो, यही था वो जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े थे। अरे टेंशन मत करो शिनचैन, ये देखो इन लोगों को मैं कैसे मसल रहा हूँ चींटियों की तरह। वैसे यार ये कुछ ज्यादा ही है, तो थोड़ा टाइम लग रहा मसलने में, लेकिन देखो तो सैयार कचुम्बर बना दिया इसका तो मैंने। चलो ये रेड हल्क तो गया, अब इस रेड हल्क को पीटता हूँ मैं। चल भाई साहब ये वाला रेड हल्क भी गया। अरे यार ये मरते क्यों नहीं है जल्दी? चलो ये भी गया, इस वाले को पकड़ के फेंक देता हूँ मैं। रुको यार इसको उठाया, ये सीधा जमीन के अंदर। गाइस यार तुम लोग देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर हल्क ने सीरियसली में गाइस बहुत ही बुरी तरीके से तबाही मचा दी है। ये देखो यार मैंने कहा था ना रेड हल्क और लाल कर दूंगा। गाइस सीरियसली में यार ये देखो रेड हल्क को गाइस इसने लाल खूनम खून कर दिया है। इधर उधर वो और भाग रहा है, मार मार उसका हल्क मार। ये लो यार ये भी गया, और कोई और उधर भी है भाई साहब, मार तू यार हल्क, किसी को भी मत छोड़ियो। अरे हाँ यार हल्क भैया, किसी भी रेड हल्क को मत छोड़ना यार। अरे देखते जाओ क्या करता हूँ मैं। ये भाई साहब यार कल मेरे को उम्मीद दी थी भाई साहब अपना हल्क इतनी बुरी तरीके से बजाएगा। सही कह रहा है यार बिल्कुल, गाइस इसने तो तबाही मचा दी, किसी को भी नहीं छोड़ रहा। ये देखो गाइस इसको भी खून से लथपथ कर दिया, इसका भी गाइस खेल खत्म, और कोई सा रेड हल्क बचा है? वो रहा गाइस भाग रहा, मार इसको भी हल्क, मार मार इसको, मार दबा दबा के मार तू। अरे यार ये लो, ये तो एक ही घूसे में गया लगता है। नहीं गया भाई अभी, एक ही घूसे में नहीं गया, उसको अभी और जोश चाहिए। ठीक है यार गाड़ी फेंकता है उसके ऊपर। ओ भाई साहब क्या ही गाइस उछाल के मारा है इसको, और ये गाड़ी तू उठा और उधर जो गाइस रेड हल्क भाग रहे थे उन पे मार। अरे यार रुको रुको, रेड हल्क के बच्चों कहाँ भागते हो? ओके सो गाइस वो रहे भाग रहे यार, मार इन सबको मार। ये लो यार किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओके सो गाइस यार तुम लोग देख सकते हो हमारा जो बदला है गाइस एकदम मस्त तरीके से पूरा हो रहा है, और गाइस अपना हल्क यार मुझे नहीं लगता किसी को भी छोड़ने वाला है। ये भाई साहब मार इसको मार, ये ले भाई साहब दबा डाला गाइस पंजों में। ओके सो गाइस फाइनली 2-3 रेड हल्क और बचा, भाई साहब इनको भी मार डाल दूं। अरे यार इनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। भाई साहब यार उधर तो और सारे हैं। अरे गाइस यार कितने रेड हल्क थे भाई? अरे यार 20-25 थे ना, तुम ही तो कह रहे थे। वही तो यार पूरे के पूरे गाइस 20-25 थे, बट गाइस अब कोई सा नहीं बचा, फाइनली लास्ट वन बचा है। अरे यार इसको दौड़ा दौड़ा कर मारना। ठीक है यार दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा इसको मैं। ये गया और इसको उठाकर मैं जाता हूँ वाइनवुड के ऊपर से, और यहाँ पर वाइनवुड की पहाड़ियों पर
गाइस यार इसका भी खेल खत्म। वैसे गाइस हम लोग अगर आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी तो गाइस फटाफट से जाकर यार इस वीडियो को लाइक करो। अरे हाँ गाइस यार फटाफट से जाकर यार इस वाली वीडियो को लाइक करो। हाँ गाइस फटाफट से जाकर अभी का भी इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन प्रेस करो। अरे हाँ गाइस फटाफट से यार वीडियो को जाकर लाइक करो और 30,000 लाइक तक पहुंचाओ। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन आप ऑन कर देना। फिलहाल तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे हाँ गाइस फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।